Hello everyone, and once again welcome to UmarTazkeer YouTube channel. Myself UmarTazkeer. Guys, Google Ads course के इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं GClid की. आखिर ये GClid जिसको हम लोग Google Click Identifier बोलते हैं, ये क्या है और किस तरीके से हमारी help करती है. Guys, GClid को explore करने से पहले, इसको और detail में समझने से पहले, हमें actually CLID को समझना पड़ेगा कि आखिर ये CLID क्या होता है. Guys, जो CLID है इसका full form होता है Click Identifier. Guys, अभी तक पिछले कुछ videos में हम लोगों ने बात करी थी किस type से URL के through भी track की जा सकती है, जो हमारे लैंडिंग पेज का यूआरएल होता है, किस तरीके से उसमें एडिशनल जो है पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, या हम लोग कह देते हैं कि ट्रैकिंग टेम्पलेट्स को यूज किया जाता है और उनके बेसिस पे हम कुछ ट्रैकिंग को सेटअप कर सकते हैं. तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि यूआरएल्स के थ्रू ट्रैकिंग हो सकती है. उसी तरीके से जीसीएलआईडी भी एक तरीके का यूआरएल पैरामीटर ही है. और अगर हम बात करें सीएलआईडी की, जिसका मतलब होता है क्लिक आइडेंटिफायर, इसके आगे जी लग गया है तो गूगल क्लिक आइडेंटिफायर हो गया. ये अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इसके आगे एफ लग जाएगा, मतलब सीएलआईडी के आगे एफ लग जाएगा, तो वो फेसबुक क्लिक आइडेंटिफायर हो जाएगा, एफबी सीएलआईडी हो जाएगा. तो क्लिक आइडेंटिफायर गूगल एड्स में भी होते हैं और फेसबुक एड्स में भी होते हैं. तो गाइस, क्लिक आइडेंटिफायर काम क्या करता है, लेट्स से आपका कोई एड जो है वो दिखाई दिया, जैसे ही उस एड के ऊपर क्लिक आएगा, वो जो गूगल एड्स है, ठीक है, जो भी आपका एड दिखाई दिया था उसके ऊपर जैसे ही क्लिक आएगा, उस क्लिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बाय डिफॉल्ट वो प्लेटफॉर्म कैप्चर करता है. मतलब गूगल एड्स बाय डिफॉल्ट कुछ इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है थ्रू क्लिक. जैसे ही वो क्लिक होगा वैसे ही वो कैप्चर करेगा, इसीलिए इसका नाम क्लिक आइडेंटिफायर. जैसे किस नेटवर्क से क्लिक आया, किस डिवाइस से क्लिक आया, किस लोकेशन से क्लिक आया, किस कीवर्ड के ऊपर वो एड दिखा था वहां से क्लिक आया, तो इस टाइप की जो क्लिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो ये GClID कैप्चर करती है, अगर हम गूगल क्लिक आइडेंटिफायर की बात करें तो. मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. गाइस, यहां पर मैंने एक कीवर्ड जो है वो सर्च किया हुआ था, आप देख सकते हो यहां पर बाई माउस ऑनलाइन, ये कीवर्ड मैंने सर्च किया था और ये वाला पर्टिकुलर एड जो है मुझे दिखाई दिया. जब मैं इस एड के ऊपर क्लिक करता हूं और एड के ऊपर क्लिक करने के बाद जब मैं इस लैंडिंग पेज के ऊपर आता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है और इसके साथ साथ आप यहां पर देखो GClID आपको दिख रहा है और इसके आगे कुछ रैंडम सी स्ट्रिंग नंबर्स और जो कैरेक्टर्स हैं अल्फाबेट्स हैं उनसे बनी हुई एक रैंडम सी स्ट्रिंग आपको यहां पर दिखाई देती है. दिस इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड. गाइज, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है और ये जो GClID है ये कुछ इंफॉर्मेशन इनकोडेड फॉर्म में अपने पास रखता है और ये इंफॉर्मेशन हमारे गूगल एड्स अकाउंट को पास करता है. तो यहां पर भी एक्चुअली हो क्या रहा है, यूआरएल के थ्रू ही थोड़ी बहुत ट्रैकिंग हो रही है कि जो क्लिक आया है वो किस डिवाइस से आया है, किस नेटवर्क से आया है, वो सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन वापस जो है गूगल एड्स को जा रही है. उसी तरीके से अगर हम लोग फेसबुक के ऊपर आए थे, मैं फेसबुक के ऊपर आया हुआ था और यहां मैं फेसबुक के ऊपर आने के बाद यहां पर आप देख सकते हो मुझे एक एड दिखा, जो सबसे पहले मुझे एड दिखा मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूं इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के ऊपर. तो यहां पर आप देख सकते हो CLID के आगे क्या लिखा हुआ है, FBCLID, और उसी टाइप की कुछ रैंडम स्ट्रिंग आपको यहां पर दिख रही है. तो ये जो फेसबुक क्लिक आइडेंटिफायर यहां पर रैंडम स्ट्रिंग आपको दिख रही है, ये जो इंफॉर्मेशन है क्लिक से रिलेटेड वो वापस इंफॉर्मेशन जो है वो भेज रहा है फेसबुक एड्स में. गाइस, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जैसे यूजर है, फाइन, यूजर जब यहां पर आता है फेसबुक के ऊपर और यहां पर आने के बाद वो क्लिक करता है, उसके बाद वो लैंडिंग पेज के ऊपर चला जाता है, तो फेसबुक से उसका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है ना. तो फेसबुक अपने क्लिक आइडेंटिफायर के थ्रू जितनी भी डेटा जो है वो कैप्चर कर सकता है वो कैप्चर करता है. तो गाइस, यहां पर मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ चुका हूं क्योंकि यहां पर मुझे एक एक्सटर्नल लिंक दिख रहा है, आप देख सकते हो लिंकट्री का एक्सटर्नल लिंक है जो बेसिकली फेसबुक पे मुझे नहीं रखेगा, फेसबुक से बाहर लेकर जाएगा, फेसबुक के डोमेन से बाहर. तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं आप देख सकते हो यहां पर FBCLID लिखा हुआ है, तो वो हर लिंक जो फेसबुक से आपको बाहर लेकर जाएगा फेसबुक उसमें ऑटोमेटिकली एक क्लिक आइडेंटिफायर लगा देता है ताकि वो कुछ इंफॉर्मेशन को वहीं पर कलेक्ट कर ले, क्योंकि अब तो आप फेसबुक के स्कोप के बाहर आ गए, अब वो आपको ट्रैक नहीं कर सकता. उसी तरीके से जब कभी भी गूगल के प्लेटफॉर्म से आप किसी दूसरे यूआरएल के ऊपर जाओगे, ऑटोमेटिकली जो है वो एक क्लिक आइडेंटिफायर यहां पर पैरामीटर जो है वो ऐड हो जाएगा. फाइन, क्योंकि ये जो है ये सर्च ऐड के ऊपर मैंने क्लिक किया और सर्च ऐड के थ्रू ये क्लिक आइडेंटिफायर जो है वो आपको पर दिख रहा है, तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो. जैसे मैं आ जाता हूं यहां पर अकाउंट सेटिंग्स में, तो अकाउंट सेटिंग्स में आप देखो यहां पर ऑटो टैगिंग का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो ये चीज आपको यहां पर दिख रही है, आप इसको ऑफ कर सकते हो तो जो क्लिक आइडेंटिफायर है वहां पर नहीं दिखाई देगा. बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो बाय डिफॉल्ट ऑटो टैगिंग है उसको आप ऑन रखें, और अगर इसके बारे में और डिटेल में आपको समझना है तो आप यहां पर जाकर जो है स्टडी कर सकते हैं. अगर मैं लर्न मोड पे जाऊं तो आप देख सकते हो यहां पर दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पर दिखाई देंगे कि आखिर जो क्लिक आइडेंटिफायर उसका क्या मतलब है. देखो, ऑटो टैगिंग विल अटैच द गूगल क्लिक आइडेंटिफायर पैरामीटर टू द यूआरएल ऑफ योर कस्टमर्स क्लिक एंड दैट विल हेल्प यू टेल विच एड वाज क्लिक्ड फॉर ईच विजिट टू योर साइट.
ठीक है, तो वो बेसिकली इंफॉर्मेशन पास करने के लिए होता है। अब यहां पर आप देखो गूगल एनालिटिक्स एंड सिमिलर प्रोग्राम्स कैन यूज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑटो टैग्ड यूआरएल टू टेल विच गूगल एड्स कीवर्ड्स ब्रॉट अ विजिटर टू योर वेबसाइट। तो ये जो हमारी ऑटो टैगिंग होती है ना, ये कुछ टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वापस इस प्लेटफॉर्म को पास करती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता था कि ये तो हमारा लैंडिंग पेज है नहीं, फिर ये ऑटोमेटिकली इसके आगे जीसीएल आईडी कैसे अटैच हो गया हमारा लैंडिंग पेज। तो ये है, अगर आप इसको हिट करते हैं, जैसे मैं इस पर कॉपी करता हूँ, यहां पर मैं इसको हिट करता हूँ, तो आप देखो सेम ही हमारा लैंडिंग पेज जो है वो ओपन होगा। तो अगर ये लैंडिंग पेज और इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज में कोई फर्क नहीं है तो जीसीएल आईडी अपने आप आया कहां से भाई। तो ये वो रीजन है कि जीसीएल आईडी ऑटो टैगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आपको दिखता है और किस चीज में हमें हेल्प करता है, आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।